पंजाब में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। पिछले दो तीन दिनों से ठंड बढ़ गई है। पटियाला के अनाज मंडी में काम करने वाले खुद को ठंड से बचाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं और वो अलाव का सहारा भी ले रहे हैं। बात करें इस टाइम जहाँ की पटियाला में बहुत ठंड पड़ रही है, जो तीन चार दिन हो गया लगातार है, ठंड है, लोग बेहाल है। वहीं पर हमारे पास आपको दिखाएंगे कुछ मजदूर है जो कि अनाज मंडी में यहाँ पर आग बाल के अपना सेक रहे हैं। उनको हम बात करते हैं कि कैसा के ठंड पड़ रही है, थे कैसे के काम चल रहे। काम क्या नाम है जी? महावीर नाम है जी। काम सर क्या करिए बताओ, इसमें हाथ पैर चलते नहीं ठंडी के मारे। कितनी ठंड पड़ रही है? बहुत ज्यादा ठंड है सर, ये समझ लो कि बहुत ही बुरा हाल है ठंड से। बात करिए अनाज मंडी है, प्रशासन की तरफ से कोई बंदोबस्त किए गए हैं? कोई बंदोबस्त नहीं है सर। अपने हाथ से जो मर्जी करी जाओ, चाहे बंदा जिथे मर रहा है उथे मर रहा है जी। कोई काम का कोई बिल्कुल वो नहीं है सर इधर। क्या कहना है सर, कितना ठंड पड़ रहा है? ठंड बहुत ज्यादा जी, हाथ काम ही कर ही नहीं रहे। कितने घंटे हो गए आप यहाँ पर आग बाल रहे हो, तो कितनी आपको लग रहा है? मैं दो ढाई घंटे हो गए आग बालते हुए। ठंड ज्यादा पड़ रही है? हाँ जी। कितनी ठंड पड़ रही है? बहुत ठंड पड़ रही है जी। ठंड बहुत पड़ रही है, बहुत ठंडी हो गया। चार पांच दिन हो गया ठंडी, बहुत बर्फ पड़ रहे है। अभी आग जो बाल रहे हो, आग में कोई फर्क पड़ा आपको? हाँ जी, हाथ से क्या फर्क पड़ता जी? क्या काम नहीं होता हाथ का? हाथ काम हाथ मुट्ठी खोल ही नहीं जाता ठंडी ले। बर्फ बर्फ है, बर्फ से ठंड लग रही है ठंडी से। वही लोगों का साफ कहना है कि जो कि पटियाला में बहुत ठंड पड़ रही है, जो कि ठंड के लिए काम भी नहीं होता, इसीलिए वो आग जला के यहाँ पर सेक के अपने हाथ को थोड़ा गर्म करते हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए बलजीत सरना पटियाला।